हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल मोरिया इन्फो में। आज आप लोग के इस वीडियो में बताऊंगा आर्मी रैली के बारे में जो शिलोंग हेडक्वार्टर के लिए आया है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जो भी मेरे दोस्त आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मेघालय, ये शिलोंग जो है मेघालय, इसके लिए वैकेंसी आ गई है, रैली मतलब ओपन रैली आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली विल बी एलिजिबल कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, मतलब मेघालय का जो ऑल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए रैली आ गई है, वो भी 2 मई 2019 से 7 मई 2019 के बीच। आसाम रेजिमेंटल सेंटर, हैप्पी वैली, शिलोंग। ऑनलाइन जो इसका शुरू होगा वो 3 मार्च 2019 से 16 अप्रैल 2019 तक होगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो जनरेट होगा वो रजिस्टर्ड ईमेल पर जनरेट किया जाएगा 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में। तो चलिए अब बात करते हैं कैंडिडेट के जो हाइट, वेट और एज के बारे में। तो जनरल ड्यूटी जीडी के लिए एज है 17 से 21 साल, 17.5 से 21 साल। कट ऑफ डेट्स, जो एज का कट ऑफ होगा वो होगा 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 तक। इसका हाइट का बात कर ले तो 160 सेंटीमीटर, वेट का बात कर ले तो मिनिमम 48 केजी। चेस्ट का बात करें तो 77 और सांस फुला के एक्सेप्शन में प्लस 5 सेंटीमीटर उसमें हो जाएगा। तो जीडी के लिए बात करें क्वालिफिकेशन का, तो क्लास 10th मैट्रिक पास, 45 यहाँ पे सब 45% रेटेड, 35 मतलब 45% कम से कम मार्क्स होना चाहिए और 30% पर सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए जीडी के लिए। बात कर ले सोल्जर टेक्निकल के लिए, तो इसमें 17.5 से 23 साल जो एज है और डेट ऑफ कट ऑफ होगा वो सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास 8th पास, सबके लिए डेट ऑफ कट ऑफ होगा 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 तक। इसका बात कर ले अब सोल्जर टेक्निकल का 157, सोल्जर टेक्निकल का 157 और सोल्जर क्लर्क का 160 160 160। बात कर ले इसका वेट का, तो मिनिमम सभी का वेट जो है एक जैसा है, सेम टू सेम है, 48 केजी मिनिमम। और एक्सेप्शन जो है चेस्ट का वही है सबका, 77 और सांस फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अप करना है। अब बात कर ले सोल्जर टेक्निकल के क्वालिफिकेशन के बाद, इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश बीच, मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रेटेड एंड 40% इस सब्जेक्ट। जो सोल्जर टेक्निकल के लिए जो होगा वो होगा 10+2 का पास होना चाहिए और पर सब्जेक्ट मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए 10+2 में 50% और पर सब्जेक्ट कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। सोल्जर टेक्निकल की बात करें, ये तो था नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। अब बात करें सोल्जर टेक्निकल के लिए, सोल्जर टेक्निकल के लिए क्वालिफिकेशन का बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश मिनिमम 50% इसमें भी होना चाहिए और 40% पर सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात कर ले सोल्जर क्लर्क के लिए, सोल्जर क्लर्क के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा और 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए पर सब्जेक्ट वो होना चाहिए 50%। चलिए अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास के लिए, इसमें क्लास 10th पास होना चाहिए, सिंपल, नो सिंपलिसी एग्रेटेड, इसमें कोई मतलब पर सब्जेक्ट जो है 33% होना चाहिए, ठीक है। आप पास होने चाहिए 10th पास होने चाहिए। 8th पास का बात करें तो 8th पास सिंपल पास और हाउसकीप नो, 33% पर सब्जेक्ट यही है। फिर अब बात कर ले इसमें किसको किसको कितना छूट मिलेगा। सन्स ऑफ सर्विसमैन, सर्विसमैन के जो सन्स बेटे होंगे, जो रिलेटिव होंगे मतलब, उनके लिए 2 सेंटीमीटर हाइट में कट ऑफ मिलेगा और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 केजी तक, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती से प्रिंट पीडीएफ में दिया गया है, यहाँ पे 2 केजी तक होगा। एडॉप्टेड सन ऑफ, तो इसी में सबका दिया हुआ है बारी बारी। अब हम बात कर ले फिजिकल का, फिजिकल जो होगा 1.6 किलोमीटर रन होगा, जो फर्स्ट ग्रुप का होगा वो 60 MKS वेस्ट और ग्रुप 48
टाइमिंग ऑफ 1.6 फिल्म में ऑल कैटेगरीज। ग्रुप ए में जो आएगा बच्चे, वो जो कैंडिडेट आएंगे वो होंगे 5 मिनट 30 सेकंड में जो दौड़ पूरा करेंगे वो ग्रुप ए में आएंगे, और सेकेंड ग्रुप में जो आएंगे उन वो जो 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच आएंगे वो आएंगे, ठीक है। जंप 9 फीट डिस जो ऑल कैटेगरी नीड टू क्वालिफाई, ये क्वालिफाई करने के बाद जरूरी होती है इसका। पुल अप्स अंडर ग्रिप, और ये यहाँ पे दर्शाएगा 10 पुलअप करते हैं तो 40 मार्क्स, अगर आप 9 पुलअप करते हैं 30, इसी प्रकार से एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आपको सब जो अगर सी सर्टिफिकेट है अगर जो भरे हुए हैं तो उनके लिए भी छूट वहाँ पे दिया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। यही मेरी एक जो मेरा एक मकसद है कि मैं सभी हमारे जैसे कैंडिडेट्स जो है, हम जब अपने करियर में जब एंट्री किए थे तो हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाती थी, इसलिए मैंने आप लोगों को जानकारी देना शुरू किया और आप लोगों का सभी रिप्लाई में रिप्लाई करता हूं। तो आप लोग अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछ सकते हो, जहां तक मुझसे हेल्प हो पाएगा मैं दोस्तों आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को जरूरी पड़े तो जरूर कमेंट करना, मैं अगला वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।